हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शशि और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है प्याज का, वो है भारत। और 50% यानी कि 50% से ज़्यादा जो है, दो राज्य जो है इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं, वो है महाराष्ट्र और कर्नाटक, जो प्याज के उत्पादन में अपना सहयोग देते हैं। और आज प्याज के बारे में कुछ ऐसी बातें आपसे करने वाले हैं जो आप सबको भी जानना चाहिए। और आज हम बात करने वाले हैं कच्चा प्याज खाने के बेनिफिट्स, यानी कच्चा प्याज खाने के फ़ायदे। मेरी बात अगर मैं आपसे शेयर करूं कि अगर कहीं मैं बाहर जाती हूं खाने के लिए, तो मैं खाना आने आने तक सबसे ज़्यादा मैं प्याज खा लेती हूँ। आज के समय में बहुत लोग जो है सात्विक भोजन करना पसंद करते हैं और प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं। इसके वजह से काफ़ी तरह की बीमारियां और काफ़ी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्हें, लेकिन पता नहीं होता है। साथ ही वो ज़मीन के अंदर उगने के वजह से लहसुन प्याज उसको जो है वो शुद्ध नहीं मानते हैं, इसलिए वो नहीं करते हैं लहसुन प्याज का यूज़ खाने में। और धीरे धीरे काफ़ी लोग जो है इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि लहसुन प्याज का जो है सेवन नहीं कर रहे हैं, सात्विक भोजन का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं। आज हम बताने वाले हैं कच्चे प्याज के खाने के फ़ायदे, जिसके फ़ायदे जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। तो ये कौन कौन से फ़ायदे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले डिटेल्स में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप तक पहुँचा सकूँ और उसका जो है नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए बताते हैं आज कि कच्चा प्याज खाने के क्या क्या हैं फ़ायदे। प्याज जो होता है किसी भी खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, और प्याज को लगभग हर घर में जो है सब्जी या सलाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, और कई जगह पे इसे चटनी या इसके सलाद भी और सूप भी जो है बनाकर पिया जाता है, जिससे काफ़ी फायदा होता है। और दरअसल जो है कच्चे प्याज के बेनिफिट्स जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये कई तरह से जो है हमें फ़ायदा पहुँचाता है। प्याज में एंटी एलर्जिक, एंटी ऑक्सीडेंट और गुण पाए जाते हैं, और इसके अलावा जो है प्याज में विटामिन ए, B6, बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। प्याज का सेवन जो है कई बीमारियों को जो है ठीक करने में सहायता देता है। तो ये कौन कौन सी बीमारियां हैं, और प्याज को चाहे आप किसी भी रूप में खाएं, चाहे आप स्प्रिंग ऑनियन पत्तेदार जो प्याज आते हैं उसको भी खाएं, या आप कच्चा प्याज जो है सलाद के रूप में खाएं, सूप भी बनाकर पी सकते हैं, तो ऐसे में वो किसी भी तरह से अगर आप प्याज का सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कई तरह की बीमारियों से जो है छुटकारा मिल सकता है और कई तरह की बीमारियाँ जो है ठीक हो सकती है। तो जो सबसे पहले जो है प्याज का, जो कच्चा प्याज खाने का फ़ायदा होता है, वो डायबिटीज़ वालों के लिए होता है, क्योंकि जो प्याज का जो सेवन डायबिटीज़ के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद इसलिए होता है कि रोज़ाना अगर आप प्याज खाते हैं तो आपको डायबिटीज़ टाइप 2 के मरीजों को जो है फास्टिंग शुगर लेवल कम करने में जो है मदद मिल जाता है, तो इसलिए जो है डायबिटीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। सूजन जो है कम हो जाती है। अब सूजन आप सोचेंगे कि कैसा सूजन, शरीर में जो है किसी भी तरह का जो स्वेलिंग हो जाता है, फूलना होता है, पैर का फूलना होता है, या कभी आँखों में चेहरे पे जो है स्वेलिंग आ जाती है, तो इससे भी जो है राहत मिलती है, क्योंकि प्याज में जो है ना कई तरह के एंटी ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर में होने वाले सूजन को जो है कम करने में मदद करते हैं। आयरन की कमी को जो है प्याज जो है कम करता है, और कहते हैं कि प्याज में जो है पोटेशियम के गुणों से जो भरपूर होता है, और इसीलिए जो है प्याज का, कच्चे प्याज का जो है सेवन करना चाहिए, जो आयरन की कमी को जो है दूर भगाता है। तो इस तरह से प्याज, कच्चे प्याज के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें से मैं सिर्फ 4-5 ही पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। इन्फेक्शन में जो है मददगार होता है। अब इन्फेक्शन आपको किसी भी तरह का हो, इससे जो है इन्फेक्शन से बचने के लिए जो है कच्चा प्याज जो है हमेशा मददगार साबित होता है, और प्याज में एंटी एलर्जिक, एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो शरीर के कई तरह के इन्फेक्शन से जो है बचाने में मदद देते हैं। प्याज वहीं पे जो है इम्यूनिटी बढ़ाने में जो है मददगार होता है, ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। और सलाद के तौर पे अगर इसका सेवन करते हैं तो इसमें प्याज में मौजूद जो फास्फोरस, पोटेशियम और विटामिन सी जैसे गुण पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी को मजबूत करने में
काफ़ी हेल्प करता है। तो इसलिए जो है प्याज, कच्चा प्याज बहुत ही ज़रूरी होता है खाना, और ये कई तरह के जो है हेल्थ बेनिफिट्स देता है। तो इसलिए कच्चा प्याज का सेवन करना ही चाहिए। हड्डियों को जो है मजबूत करने का काम करता है प्याज के, कच्चा प्याज का जो सेवन करते हैं वो हड्डियों को मजबूत करता है, इसलिए कि इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे विटामिन B6, ये सब चीज़ें पाई जाती है जो हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, दो चार पॉइंट्स जो मैंने आपको सिर्फ बताए कच्चे प्याज खाने के फ़ायदे से क्या क्या होता है। और कच्चे प्याज खाने से और भी मैं आपको एक शॉर्टकट में बता देती हूँ कि कच्चा प्याज खाने से बहुत सारे, जैसे मिर्गी बहुत लोगों को आती है, कान में दर्द होता है उनके लिए है, डायबिटीज़ के लिए मैंने बताया ये, नकसीर होता है, अनिद्रा जिनको नींद नहीं आती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, और मत्स्य बहुत लोग इससे हटाते हैं, जोड़ों के दर्द, सफ़ेद बाल होता है, बालों के लिए जो है प्याज बहुत तरीके से काम करता है, नशा उतारना यानी कि अगर कोई ड्रिंक्स वगैरह करते हैं तो प्याज जो है उस नशे को काटता है, दाद खुजली अगर हो जाता है, पीलिया हो, एक्जिमा हो जाता है, फटी एड़िया, सांप काटना, दाग धब्बे, पेट के कीड़े जैसे चीज़ों को जो है ये प्याज कई तरह से जो है ख़त्म करता है, बालों का झड़ना भी रुकता है, हाथ पैर की जलन को, मांसपेशियों के ऐठन को, इन सारी चीज़ें, ये बीमारियों के, सोचिए कितने सारे लिस्ट है, और हर इंसान इस बीमारी में से कोई ना कोई बीमारी से वो पीड़ित है। तो आप जो है कच्चा प्याज खाना शुरू कर दीजिए, और कच्चे प्याज के फ़ायदे जानकर आपको जो है बहुत सारे चीज़ समझ में आया होगा। तो इसलिए जो है आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो है कच्चे प्याज खाने के कुछ फ़ायदे बताए हैं जो शायद आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा।